हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव सक्सेस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं नेट सेट यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ के पेपर फर्स्ट और स्टेट लेवल पर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट। इन दो एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट में किस तरह से हम उसकी तैयारी कर सकते हैं और पेपर फर्स्ट में 5 मार्क्स के लिए एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पर 5 क्वेश्चन होते हैं, तो वो पैराग्राफ बहुत ही बड़ा होता है। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो पैसेज हम जब पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चला जाता है और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें वक्त नहीं मिलता। फिर तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए और वो 5 मार्क्स भी हमारे मुट्ठी में हो, 5 में से 4 मार्क्स तो हम आसानी से उसे कमा ही सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना है। दोस्तों, वो पैसेज बहुत बड़ा होता है, उसे पढ़ने में हार्डली 10 से 20 मिनट तो लगते ही है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, और फिर बाकी के क्वेश्चन रह जाते हैं और हमें 50 क्वेश्चन हमें पूरे सॉल्व करने होते हैं। तो वो क्वेश्चन में ही, उस 5 क्वेश्चन में ही हमारा वक्त अगर चला जाएगा तो फिर हम बाकी के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे और कुछ तो क्वेश्चन बच ही जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, ऐसे 4-5 पैराग्राफ उसमें दिए होते हैं और 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। आखिरी के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस पूरे पैसे सार क्या है यानी समरी क्या है, तो वो 4 ऑप्शन में दिए जाते हैं। दोस्तों, हमेशा इस क्वेश्चन को तो हमें छोड़ ही देना चाहिए क्योंकि 60 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से 50 ही हमें सॉल्व करने होते हैं, तो ये क्वेश्चन तो हमें हमारा टाइम खाने के लिए ही होता है, तो इससे तो दूर ही रहिए। और बचे 4 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन पढ़िए और फिर पहले पैराग्राफ में थोड़ा थोड़ा सा उससे मिलता जुलता कुछ मिलता है क्या, तो वो ओरली देख लीजिए, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन हार्डली सेकंड पैराग्राफ में या फर्स्ट पैराग्राफ के आखिरी में उसका क्वेश्चन होता ही है। बचा थर्ड, तो थर्ड पैराग्राफ में हमें उसे नीचे की 2-4 लाइन में या ऊपर की 2-4 लाइन में हमें उसे ढूंढना है। और बचा फोर्थ क्वेश्चन, वो आखिरी के पैराग्राफ में आपको मिल ही जाएगा। तो उस पैराग्राफ को पूरा पढ़ते बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा टाइम बहुत आसानी से बचाना है। पहले क्या होता था, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पहले ऑनलाइन नहीं होती थी, तो ऑनलाइन नहीं होती थी, 3 पेपर होते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट पेपर हमारे पास ही रहता था, सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर एक साथ दिए जाते थे और थर्ड और सेकंड पेपर के बीच में गैप होता था। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा सेकंड पेपर के भी होने के बाद हम फर्स्ट को 1-2 क्वेश्चन बचे तो वो भी छोड़ सकते थे, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता, फर्स्ट पेपर पहले ही सबमिट हमें करना होता है, फिर दूसरा मिलता है। तो और अभी 3 पेपर नहीं होते हैं, 2 ही पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरह से हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 60 में से, तो हम टाइम इस तरह से बचा सकते हैं। और सेट की एग्ज़ाम में भी वैसा ही होता है दोस्तों, बड़ा सा पैराग्राफ मिलता है, 5 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं और हमें बहुत सूझबूझ से, समझदारी से उसे सॉल्व करना है, पैराग्राफ पूरा पढ़ते बैठना नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा।